रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट टू करेंगे। कल हमने रूल नंबर 2 तक पढ़ा था, आज आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिमिलर सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। टेक्स सिंगुलर वर्ब वेयर एज प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब समझ तो आया नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि सर आता नहीं है। मैं हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट भले नाउन हो या प्रोनाउन, वो हमेशा अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, क्योंकि मैंने कल कहा था कि जैसा करता होगा वैसे वैसे क्रिया होगी। एंड प्लूरलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और यदि बहुवचन करता है तो वो अपने साथ वर्ब भी बहुवचन लेगा। अब मैं आपके सामने लिखूं, ही खाली जगह प्लेइंग चेस चेस इन द रो। ही खाली जगह, अब ही बेटा कैसा है, सिंगुलर है तो इसके साथ ए जाएगा, यदि हम आर लगाएंगे तो वो एरर माना जाएगा, अपना नंबर 0 आ जाएगा। तो अपन को इसके साथ क्या लगाना है, इज, क्योंकि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। एक मैं और एग्जांपल लिखता हूँ, वी खाली जगह प्लेइंग टेनिस नाउ। अब मैं यहाँ पर इज लगाऊंगा, मामला गड़बड़ होगा क्योंकि वी कैसा है, प्लूरल है या नहीं है, तो इसके साथ अपन को क्या लगाना पड़ेगा, आर हिज लगाना पड़ेगा। यदि हम इज लगेंगे तो वो गलत माना जाएगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद एक्सेप्शन, तो इसके मैं एक्सेप्शन आपको लिखा रहा हूँ, एक्सेप्शन टू अबव रूल नंबर 3। 3 नंबर रूल के मैं आपको अपवाद लिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात करूँगा आई की, आई लोग इसको सिंगुलर भी बताते हैं प्लूरल भी बताते हैं। सबसे पहली बात है, आई हमेशा सिंगुलर ही होता है, आई प्लूरल नहीं होता है। अब आई का प्लूरल क्या होता है, आई का प्लूरल वी, मैं, आई का हिंदी मीनिंग मैं और वी का क्या है हम, तो इसका तो प्लूरल वी है। लेकिन आई का यूजेज जो है ना वो अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँ आई का, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा प्लूरल ही आएगा, भले वो मैन वर्ब के रूप में यूज हो, भले हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज हो। जैसे मैं लिखूं, आई खाली जगह ईट फूड, अब मैं है ना आई ईट्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमेशा तुम्हें पता है जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, और इसके साथ ऐसे ये तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो आई प्रेजेंट टेंस में, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आई प्रेजेंट टेंस में हमेशा कैसा होता है, प्लूरल ही होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आई ईट फूड। सेकेंड है, आई खाली जगह नॉट प्ले, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिखूँ डू डज, अब आप आई डज नहीं लिखोगे, क्योंकि यदि आप आई डज लिखोगे तो ये एरर माना जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई कैसा माना जाता है, प्लूरल इज माना जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, आई डू नॉट, जैसे आई आई हैव ईटन फूड। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हैज नहीं आया है, क्योंकि आई प्लू हमेशा प्रेजेंट टेंस में कैसा माना जाता है, प्लूरल हीज माना जाता है। क्या यहाँ तक किसी कोई समस्या,
ओके, अब आगे चलते हैं रूल नंबर फोर पे। रूल नंबर फोर, सबसे पहले रूल नंबर फोर को समझने के लिए हमें एक काम पहले जानना पड़ेगा, वो ये है सिंपल पास्ट। प्यारे बच्चों आप इतना ध्यान रखियो कि सिंपल पास्ट आपके हिसाब से कितने टाइप का होता है आपको नहीं पता। नहीं होगा, सिंपल पास्ट है ये टू टाइप्स का होता है। इसमें फर्स्ट टाइप्स जो है वो है रियल पास्ट, सेकेंड टाइप जो है वो है इमेजिनरी पास्ट, या इसको अपन एक और मीनिंग ले सकते हैं हाइपोथेटिकल। या इसको एक और बोल सकते हैं कंडीशनल, और इसको हिंदी में कह सकते हैं वाक्य किससे शुरू हो रहा है, यदि, अगर, काश, जिसको अपन बोल सकते हैं आई विश। तो अब इसके रूल है ना ये दो समझ लो। इसमें पहला रूल है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब भी जाएगी, और प्लूरल के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। लेकिन यहाँ पर कोई समस्या नहीं है और ना ही इसमें से एग्जाम में आने का चांस भी बनता है। एग्जाम में आएगा आपके यहाँ से, क्योंकि इसमें एक लोचा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में वर्ब प्लूरल ही आएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा समझने की बात ये है। अब आपको यही पता नहीं है क्योंकि आज सिंपल पास्ट के टू टाइप्स होते हैं, ये तो आपको पता भी आज ही चला कि एक रियल पास्ट एक इमेजिनरी पास्ट। तो पहले हम इन दोनों पे चर्चा करते हैं, आपको खुद को पता चलेगा कि दोनों सेंटेंसेस का हम कैसे पता करेंगे और इसका हम पता कैसे करें। जैसे मैं लिखूँ इफ आई खाली जगह अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। पहले तो प्यारे बच्चे आप मुझे यूँ बताओ, इफ आई खाली जगह बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये पास्ट टेंस के रियल पास्ट का है या इमेजिनरी पास्ट का। अब मैं इसको हिंदी में बताऊँ, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो ना तो मैं कोई पक्षी हूँ और नहीं सॉरी ना तो मैं कोई पक्षी था और नहीं मैं उड़ सकता था। तो अब सबसे पहले जो बात है इमेजिनरी पास्ट में आया ये वाक्य, ये मेरी कल्पना कर रहा हूँ, और इमेजिनरी पास्ट में भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसी यूज होगी, प्लूरल ही होगी, तो यहाँ पर वर आएगा। जैसे मैं लिखूँ आगे वाला, अब ये आपको बताना, इफ आई खाली जगह अ किंग आई वुड बिल्ड अनदर ताज महल। अब देखो बेटा, इफ आई खाली जगह अ किंग आई वुड बिल्ड अनदर ताज महल, यदि मैं एक राजा होता तो मैं दूसरा ताजमहल बना देता, नहीं तो मैं कोई राजा था नहीं मैं कोई दूसरा ताजमहल बना सकता था। तो ये इमेजिनरी पास्ट है और इमेजिनरी पास्ट में भले ही आई सिंगुलर होता हो, लेकिन इमेजिनरी पास्ट में आई में हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल ही यूज होगी, और यहाँ पर वर आएगा। अब जैसे मैं लिखूँ आई ए स्टूडेंट, ये देखना आई खाली जगह स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, तो ये कोई इमेजिनरी पास्ट नहीं है, मैं रियल में एक स्टूडेंट था, मैं भी तो कभी स्टूडेंट ही था, तभी आज एक टीचर बना, आज भी स्टूडेंट ही हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये आई स्टूडेंट तो ये रियल पास्ट है। अब इसमें आई कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, इसमें वो जाएगा, इसमें वर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, वो रियल पास्ट में होता है, और ये सेंटेंस किसका है, रियल पास्ट का है। अब एक और मैं आपके सामने सेंटेंस देखो, ये आप खुद को बताना है, आई विश ही खाली जगह माई न्यू
नेबर, ध्यान से देखो, आई इस काश वो मेरा नया पड़ोसी होता। अब मुझे यूँ बताओ, वो मेरा पड़ोसी तो नहीं था ना, काश होता, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि काश वो भी मेरे पड़ोस में रहता। देट मीन टू सी इमेजिनरी पास्ट में, इमेजिनरी पास्ट में भले ही यहाँ पर ही सिंगुलर छो होता, यहाँ पर ही सिंगुलर है, लेकिन ये सेंटेंस किसका है, इमेजिनरी पास्ट का है, तो ये प्लूरल में इज काउंट होगा और इसके साथ क्या आएगा, वर हिज आएगा। अब प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे वाला वीडियो कल। स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलेंगे अगले वीडियो में भावेश आंकला के साथ।